सो गाइस यार भाई आज की सेकंड वीडियो आ चुकी है। आपको ज़्यादा तो ऐसे बड़ी अपडेट्स नहीं थी, लेकिन भाई जितनी भी अपडेट्स है वो भी काफ़ी है। और देखो भाई ट्रिपल एच का भाई फिर से है ना प्रमोशन हो चुका है, तो भाई कौन सी पोस्ट पे वो पहुंच चुके हैं वो बताऊंगा। उसके अलावा भी कई सारी अपडेट्स है, तो सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देख लो, बिना स्किप किए बिना स्किप किया तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। अगर आप मेरे चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देता, शेयर कर देना, क्योंकि चैनल पर आपको डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़ और देना मिलती रहती है। चलो आज के माय के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कई से बातों को शुरू कर लेंगे मॉन्स्टर अमंग मैन ब्राउन स्टोमन के साथ में। तो देखो भाई ब्रॉन स्टोमन जो है नेक्स्ट फाइनलिस्ट स्मैकडाउन के शो पे आने वाले, ये सब तो आपको पता ही है। लेकिन भाई पीडब्ल्यू इंसाइडर की रिपोर्ट आई है कि अब जो है वो स्मैकडाउन पे रहने वाले, ऐसा नहीं कि वो स्मैकडाउन दोनों पे आएंगे। अब वो जो परमानेंटली भाई स्मैकडाउन के रोस्टर के पार्ट बन चुके हैं, तो स्मैकडाउन में भाई कंटिन्यू करने वाले अपने स्टोरी लाइन, और साथ ही में वो जो है बेबी फेस होने वाले। एक्सपेक्टेड तो था मुझे कि वो हील होंगे, लेकिन नहीं, वो होने वाले बेबी फेस और स्मैकडाउन में होने वाले। तो यहां से भाई एक और कंफर्मेशन हमें मिल जाता है कि वो जो है टैग टीम चैंपियनशिप के पीछे जाने वाले। और साथ ही में आपको याद होगा मीना में जो है उन्होंने भाई टैग टीम चैंपियनशिप जीती थी द बार के खिलाफ, और वो निकोलस के साथ में। अब जिनको नहीं पता निकोलस कौन है, तो देखो भाई वो 10 साल की लड़की है शायद, हाँ 10 साल की लड़की है, अब शायद बड़ी हो चुकी है। और पता है वो रेफरी की बेटी, डब्ल्यू का रेफरी, उसकी बेटी है वो। तो उसने भी जो ट्वीट किया था टैग टीम चैंपियनशिप के साथ वाला फोटो, तो वो भी शायद टीज कर दी है कि ब्रॉन स्टोमन जो है टैग टीम चैंपियनशिप के पीछे जाने वाले। तो ये कुछ है ब्रॉन स्टोमन को लेकर अपडेट। ऐसे बात कर लें निकी एस और डू ड्रॉप की टैग टीम के बारे में, तो काफी जल्दी जो ये टैग टीम आपको जो स्प्लिट होते हुए दिखाई दे सकती है। ऐसी भाई है ना स्पेकुलेशन रूमर्स और रिपोर्ट्स का कहना है। दरअसल कुछ ऐसे बेस्ट सेगमेंट देखने को मिले थे रॉक एपिसोड में, तो उसको देखे भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि काफी जल्दी इनकी जो ये जो टीम है वो है ना टूटने वाली है। और पहले ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रखी, तो यस जल्दी आपको ये टीम जो टूटती हुई दिखाई देगी। ब्रॉन स्टोमन को लेकर भाई एक और अपडेट थी कि ब्रॉन स्टोमन की जो रिटर्न वीडियो है जो कि यूट्यूब चैनल पर डाली गई है डब्ल्यू वालों की तरफ से, तो वो जो है 12 घंटों में 7 मिलियन व्यूज के भाई पार जा चुकी है। और ये भाई काफी जो इंसेन भाई है ना काफी बड़ा नंबर है। डब्ल्यू जो रोज वीडियो डालती रहती है भाई 8-10 डालती है, वो भाई 2 लाख 3 लाख 5-6 लाख तक जाती है, पर ये जो रिटर्न वाली वीडियो तो ये भाई 70 लाख गई है। तो मुझे तो लगता है 1 करोड़ भी पार कर ही लगी। और देखो पता है ब्रॉन स्टोमन ने एक बार कहा था कि डब्ल्यू के चैनल पर जितनी भी पॉपुलर वीडियो है ना उन सब में मैं हूँ, तो देखो भाई वो उस बात को साबित कर रहे हैं कि वो जो ज्यादा ही पॉपुलर है यूट्यूब के मामले में। तो जब बात करें बैड बनी के बारे में, तो बैड बनी आपको जो है डब्ल्यू में एक बार फिर से ना देखने को मिल सकता है। देखो भाई क्लैश ऑफ द कैसल के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वहां पे भाई ट्रिपल एच ने बात रिवील की थी कि वो जो है बैड बनी से भाई काफी जल्दी मीटिंग करने वाले, डब्ल्यू रिटर्न को लेकर बात करने वाले, और साथ उन्होंने बात कर भी लिए पहले थोड़ी बहुत, तो आखिरी की जो बात हो बाद में कर लेंगे। तो मैं भी आपको जो है काफी जल्दी बैड बनी का भी रिटर्न देखने को मिलेगा, अगर मेरे हिसाब से कहूँ कब तो देखो भाई एक बार फिर से आपको रॉयल रंबल में देखने को मिल सकते हैं, और फिर भाई रेसलमैनिया 39 में हु नोज लोगन पॉल वर्सेस बैड बनी। गाइस अब बात कर लेंगे नेक्स्ट फाइनल अपडेट के बारे में, तो ये जुड़े गेम ट्रिपल एच को लेके। तो देखो भाई ट्रिपल एच का फिर से प्रमोशन हो चुका है, और ट्रिपल एच जो है पोस्ट पर पहुंच चुका है चीफ कंटेंट ऑफिसर की। अब देखो ये जो है सेकंड हाईएस्ट पोस्ट है पूरी कंपनी में, सबसे बड़ी पोस्ट होती है सीईओ, वहां पे तो फिलहाल निक खान और अपने स्टेफनी मैकमैन है। उसके जस्ट नीचे की जो पोजीशन होती है वो होती है भाई चीफ कंटेंट ऑफिसर। तो वहां पे अपने भाई ट्रिपल एच पहुंच चुके हैं, तो ट्रिपल एच को भाई कांग्रेचुलेशन। और अब देखो भाई ट्रिपल एच की जो शक्ति है वो तो बढ़ चुकी है, लेकिन साथ में भाई ट्रिपल एच की जो जिम्मेदारी है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो भी भाई बढ़ चुकी है। अब वो ज्यादा काम करने वाले और ज्यादा उनके पास भाई कंट्रोल आ चुका है पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई का, तो ये भाई काफी अच्छी बात है। लेकिन भाई ट्रिपल एच के ऊपर लगता है मुझे एक्सपोज वीडियो बनानी पड़ेगी, मतलब ट्रिपल एच गलत वे में मत है ना, ट्रिपल एच की भी तो कुछ तो कमियां होगी, तो उनके ऊपर ज्यादा वीडियो बन सकती है। और देखो भाई पहले जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई के ना प्रेसिडेंट हुआ करते थे निक खान, तो अब वहाँ पे जो मिस्टर रिडिक आ चुके। तो यही बस दो अपडेट्स थी, और पूरी वीडियो में भी ये कुछ अपडेट्स थी। तो बस इस वीडियो को नोशन दे, मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो किसी नए साथ।